नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप शॉर्टर में आपका स्वागत है। और आज के शोडो हम बात करने वाले हैं प्लांट यानी पौधे और सोलर पैनल के बारे में। इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, कौन सा सही है, और हम एक स्टार्टअप के बारे में भी बात करने वाले हैं जो इन दोनों के हाइब्रिड पे काम करता है। तो क्लास 3-4 में हम सब ने पढ़ा होगा कि पौधों में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से उनकी पत्तियाँ ना हरी हरी कलर की दिखती हैं। पर एक्चुअल में होता क्या है ना कि वो जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट में से फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है और उनसे ज़मीन से पानी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है हवा से, उनको ब्रेक करके CO2 के बॉन्ड्स को ब्रेक करके H2O के बॉन्ड्स को ब्रेक करके वो ग्लूकोज बनाता है। और बॉन्ड्स को ब्रेक करने की एनर्जी उसे मिलती है सनलाइट से। तो बेसिकली मोटा माटी ऐसा समझो आप कि जो पौधे होते हैं वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हैं, ठीक है। जबकि जो सोलर पैनल होते हैं वो एक तरीके के सेमी कंडक्टर होते हैं, वो सनलाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। अब इनका कंपेरिजन पर देखा जाए ना तो ऐसा है कि जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट की सिर्फ 3% एनर्जी को ही कन्वर्ट कर पाते हैं, जबकि जो हमारे पास सोलर पैनल है वो 10% तक की एनर्जी को कन्वर्ट कर लेता है। इफ़िशियंसी के मामले में देखा जाए तो सोलर पैनल की इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा है, पर अगर हम एक पौधा लगा दें और 10-20 साल बाद देखें तो वो पौधा जाहिर है बड़ा हो गया होगा। अगर आज वो पौधा 3% इतने बड़े एरिया की सनलाइट को कन्वर्ट कर रहा है तो कल को तो मतलब 2-3 घर के बराबर सनलाइट में से 3% वो कन्वर्ट कर रहा होगा। जबकि सोलर पैनल अगर हमने 1 किलोवाट का ला के लगा दिया तो 10 साल बाद हो सकता है उसमें से कुछ सेल्स, सोलर सेल्स ख़राब हो जाएँ शैडो की वजह से या फिर डैमेज की वजह से, किसी भी रीज़न से, पर वो ग्रो तो नहीं होंगे ना। तो इस मामले में देखा जाए तो पौधे ज़्यादा आगे हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए पौधे जो होते हैं वो हर साल 12 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, सोलर पैनल बिल्कुल नहीं करता है। और पौधों का अगर कैलकुलेट किया जाए तो होता है तकरीबन 33 ग्राम पर डे के हिसाब से, यानी कि एटलीस्ट कंज्यूम नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब तो कर रहा है। बनाने का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली प्लांट से ही लिया गया है, बस ये है कि हमने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दिया है तो हम इफ़िशियंसी ज़्यादा है हमारी, 10% के अप्रॉक्स है। पर एक वेबसाइट है प्लांट ई नाम की, वेबसाइट का एक कंपनी है, मैंने तो वेबसाइट देखी है, पर एक कंपनी है प्लांट ई नाम की जिनका कहना है कि वो लिविंग प्लांट से, जिंदा पौधों से इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट जनरेट कर सकती है, और वो करती भी है। उसके काफ़ी सारे वीडियोज़ भी हैं यूट्यूब पर, उसके काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं जो पढ़ने को मिलेंगे आपको। अब ये काम कैसे करता है, आखिर ऐसा कैसे होता है कि एक लिविंग प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है? होता ऐसा है ना कि हर बार जब पौधा ग्लूकोज बनाता है, कोई पेड़ ग्लूकोज बनाता है, तो कुछ एक्सेस ग्लूकोज वो अपनी जड़ों में डंप कर देता है। बैक्टीरियाज उस ग्लूकोज को वापस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ब्रेक करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन हमने सनलाइट से लेके उनको बॉन्ड बनाया था, यानी जो पौधे ने बनाया था, वो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। नॉर्मली हम जब किसी एसिड में एनोड और कैथोड लगा के बल्ब जलाते हैं तो एनोड या कैथोड में से कोई एक कंज्यूम हो रहा होता है, ठीक है। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, मेरा केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक था, एग्जैक्टली नहीं याद है एनोड कंज्यूम होता है कैथोड, पर मुझे लगता है कैथोड कंज्यूम होता है। जैसा भी होगा आप बताइएगा कमेंट में कौन सा कंज्यूम होता है। पर जब हम किसी एसिड में डाल के बनाते हैं तो वो 0.7 वोल्ट के आसपास देता है और उनमें से कोई एक कंज्यूम हो रहा होता है, यूज़ हो रहा होता है, एक टाइम के बाद प्रोसेस रुक जाता है। पर प्लांट में क्या होता है ना, वो बैक्टीरियाज जब ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री निकलता है। इनका कहना है ये मिट्टी में एक एनोड एक कैथोड डालते हैं और इन्होंने एक पौधे से 0.6 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी, यानी 0.6 वोल्ट का एनर्जी पा ली है। इन्होंने कुछ स्पेशल डिवाइसेस बनाई जो कि आप इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। अभी ये अंडर डेवलपमेंट है पर एटलीस्ट ये है। तो अब अगर इनका इफिशियंसी की बात किया जाए तो आप ऐसा समझो कि एक पौधा है, उसने कुछ एक्स एरिया में अपना आयतन फैला रखा है, अब वो एक्स एरिया का 3% ही एनर्जी कन्वर्ट कर पाएगा केमिकल एनर्जी में। फिर उस ग्लूकोज को जो उसने पौधे ने बनाया है वो खुद कंज्यूम करेगा, बचा हुआ थोड़ा बहुत ग्लूकोज व एक्सेस अमाउंट का जो वो अपनी जड़ों में डालेगा उसको बैक्टीरिया ब्रेक करेगा और उससे ये इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी इनको। तो देखा जाए तो इफिशियंसी तो कैलकुलेट तो नहीं कर सकते पर बहुत ही ज़्यादा कम है, 3% से तो कम ही होगी क्योंकि बीच में पौधा भी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, पर एटलीस्ट ये लिविंग प्लांट से बना रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। आगे चल के अगर ये सब चीज़ें और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो हो सकता है हमें सोलर पैनल लगाने के बजाय पेड़ लगाना पड़े और हम पेड़ में से तार खींच के लाएं अपने घर में, बैठ कर टीवी चला रहे हो, और अगर पौधा है तो दिन और रात दोनों टाइम बिजली मिलेगी, सोलर पैनल में तो बस जब तक धूप है तब तक बिजली मिलेगी। तो वीडियो में बस इतना ही। आई नो कि पौधे को और सोलर पैनल को कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा पागलपन टाइप का है, पर एटलीस्ट वो दोनों एक सेम चीज़ें शेयर कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो कंपेयर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना,
मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो @startupshounder पे। अगर ऐसे और वीडियो देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपके जेब में ऐसा पैसा एकदम बिखरा पड़ा है तो आप मेरे चैनल को मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। आपके पैसों से हो सकता है मैं एक नया बंगला खरीद लूँ, एक कार खरीद लूँ, और बस पैसे कभी मिले ही नहीं तो कभी सोचेंगे क्या क्या करूँगा। जब मिल जाएंगे तब सोचूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।